भारत में बजाज चेतक की वापसी, सामने आया नया लुक। एक बार फिर बजाज के चेतक की हो रही है वापसी। जनवरी 2020 में इलेक्ट्रॉनिक चेतक स्कूटर की होगी वापसी। अथर 450 और ओकिनिवा पेरिस से टक्कर होने की है उम्मीद। बजाज के दो पहिया वाहनों का जब भी जिक्र होता है तो चेतक स्कूटर की चर्चा जरूर होती है, लेकिन बीते 14 साल से बजाज का यह ब्रांड गायब हो गया था जैसे। अब एक बार फिर बजाज ने चेतक की वापसी की है, हालांकि इस बार यह इलेक्ट्रॉनिक अवतार में है। इसी के साथ अर्बेनिटी ब्रांड के इस स्कूटर के जरिए बजाज ने इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर सेगमेंट में कदम रख दिया है। भारतीय बाजार में बजाज के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चेतक का मुकाबला अथर 450 और ओकिनिवा पेरिस से होने की उम्मीदें हैं। बजाज का चेतक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर दो वेरिएंट में मिलेगा। ये दो वेरिएंट इको और स्पोर्ट मोड है। बजाज ऑटो इको मोड में 95 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी, जबकि स्पोर्ट मोड में यह स्कूटर 85 किलोमीटर का रेंज देगा। इसके अलावा स्कूटर 6 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा। हालांकि बजाज के इस स्कूटर की कीमत अभी नहीं खुलासा किया है, लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही है कि शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से करीब होगी। बजाज चेतक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जनवरी 2020 में लॉन्च होगा और कंपनी तभी इसकी प्राइस की घोषणा करेगी। कहा जा रहा है कि इस लॉन्चिंग के बाद इस स्कूटर के पूरे स्पेसिफिकेशन सामने आएंगे। उम्मीद है कि कंपनी आगे चलकर नए बजाज चेतक का ICE मतलब इंटरनल कम्बंशन इंजन पावर कन्वेंशन वर्जन भी लॉन्च करेगा। इस स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के लिए इंटीग्रेट ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, इसमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल होगा, जबकि स्मार्टफोन और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए यहां इंस्ट्रूमेंट पैनल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिलेंगे, और वहीं LED हैंड लैंप और टेल लाइट, टेलीस्कोप फ्रंट फोकस और मोनोस्कोप सेटअप सीट्स मिल सकते हैं। बता दें कि बजाज ऑटो ने चेतक का प्रोडक्शन 2006 में बंद कर दिया था। चेतक स्कूटर को साल 1972 में पहली बार लॉन्च किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा, पंजाब केसरी, दिल्ली।